अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को डेस्परेट प्रेशन एम्स के उसके चैनल में खुश आमदीद के तौर इस वीडियो में आपके साथ मोस्ट रिपीटेड एफपीएससी के एमसीक्यू डिस्कस करने वाला हूं और ये तमाम एमसीक्यूज एफपीएससी के पास पेपर से लिए गए हैं। तो वीडियो को गौर से देखें और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक बढ़ पहुँचती रहें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है Which place is called the Brasilia of Pakistan? पाकिस्तान की कौन सी जगह है जिसको ब्राज़ीलिया ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है इस्लामाबाद। नेक्स्ट एमसीक्यूज है स्टीव जॉब्स वाज अमेरिकन एंड फाउंडर ऑफ। स्टीव जॉब्स जो है इनका ताल्लुक अमेरिका से है लेकिन ये किस चीज के फाउंडर हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है एप्पल कंपनी के। नेक्स्ट एमसीक्यूज है फ्रॉम विच कंट्री गवादर वाज परचेज। किस मुल्क से पाकिस्तान ने गवादर को परचेज किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ओमान से। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी उर्दू फिल्म। पाकिस्तान की पहली जो उर्दू फिल्म उसका क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है तेरी याद। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हु इज द फाउंडर ऑफ विकीलीक्स। विकीलीक्स के बानी का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है जूलियन असेंज। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द फर्स्ट फेडरल जुडिशियल सिस्टम इन द वर्ल्ड वाज इंट्रोड्यूस बाय। पहला जो फेडरल जुडिशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है दुनिया में तो वो किसने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है यूएसए ने। नेक्स्ट एमसीक्यूज है ऑंग सान सू की वाज अ विनर ऑफ नोबेल प्राइज बिलोंग टू। ऑंग सान सू की जो है ये नोबेल प्राइज विनर है लेकिन इनका ताल्लुक किस मुल्क से है? तो इसका करेक्ट आंसर है म्यांमार से। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर इज। साल का सबसे छोटा दिन किस डेट को होता है? जिसका करेक्ट आंसर है 22 दिसंबर को। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच माउंटेन रेंज इज नोन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड। किस माउंटेन रेंज को रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? जिसका करेक्ट आंसर है पामीर तिब्बत को। नेक्स्ट एमसीक्यूज है लाहौर फोर्ट एंड अटक फोर्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय। लाहौर किला और अटक किला जो है ये किसने तामीर कराया था? जिसका करेक्ट आंसर है अकबर ने। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच इज द ओल्डेस्ट फॉरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। सबसे पुराना जो जंगल है पाकिस्तान का उसका क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है जूनीपुर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द फर्स्ट निशान हैदर वाज वन बाय। पहले कौन से शहीद हैं जिनको निशान हैदर मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है कैप्टन राजा सरवर शहीद। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच मुस्लिम कंट्री गॉट द मोस्ट नोबेल प्राइजेज इन द मुस्लिम वर्ल्ड। कौन सा मुल्क है मुस्लिम मुल्क जिसने सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज हासिल किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है इजिप्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर इज। दुनिया का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है अमेज़न। नेक्स्ट एमसीक्यू है हु सेड मैन इज अ सोशल एनिमल। किन्होंने कहा था कि मैन जो है वो सोशल एनिमल है? तो इसका करेक्ट आंसर है एरिस्टोटल ने। नेक्स्ट एमसीक्यू है द लैंड ऑफ द थाउजेंड लेग्स इज। किस जगह को थाउजेंड लेग्स कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है फिनलैंड को। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप। यूरोप का सबसे लंबा दरिया कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है वोल्गा। नेक्स्ट एमसीक्यू है हु वाज़ द फर्स्ट मैन टू सेल अराउंड द वर्ल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है फेडरिक मैगेलन। नेक्स्ट एमसीक्यू है जीपीआरएस स्टैंड फॉर। जीपीआरएस का क्या मफहूम बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। नेक्स्ट एमसीक्यू है द वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट वाज सेट अप इन कराची। इन कराची में जो पहला न्यूक्लियर प्लांट सेटअप किया गया था ये कब किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1972 को। नेक्स्ट एमसीक्यू है हाउ मच फॉरेस्ट एरिया पाकिस्तान है। पाकिस्तान में कितने फीसद जंगलात हैं? जिसका करेक्ट आंसर है 5.2%। नेक्स्ट एमसीक्यू है द यूएसए कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी स्टेट। अमेरिका की टोटल कितनी रियासतें हैं? जिसका करेक्ट आंसर है 50। नेक्स्ट एमसीक्यू स्पिरिट ऑफ इस्लाम वाज रिटन बाय। स्पिरिट ऑफ इस्लाम जो है ये किन्होंने लिखी है? जिसका करेक्ट आंसर है सैयद अमीर अली ने। नेक्स्ट एमसीक्यू है डायलिसिस इज यूज फॉर पीपल विद डिफेक्टिव। डायलिसिस जो है ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? किस तरह के मुतासिर लोगों के लिए? जिसका करेक्ट आंसर है किडनी के पेशेंट्स के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हाउ मेनी स्टैंजास आर देयर इन नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के नेशनल एंथम में टोटल स्टैंजा की तादाद कितनी है? जिसका करेक्ट आंसर है 3। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप तक बर वक्त पहुँचती रहें।
इसके अलावा कोई भी मालूमात चाहिए या कोई भी पास पेपर, तो हमें कमेंट में ज़रूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।